तो भाई हो गया अगला दिन, अभी मैं निकल रहा हूँ अपने काम के लिए। तो भाई आज गाड़ी की सर्विस के लिए भी जाना है और एक दो काम और भी है वो भी कर लेंगे। और देखा जाए तो भाई मैं नहाया नहीं हूँ, जस्ट मुंह हाथ धो के रेडी हुआ हूँ और एलोवेरा लगाया फेस पे ताकि फेस थोड़ा ठीक रहे। आप भी अगर कोई लगाना चाहते हो तो लगा दिए रहे ना। तो चलो मैं भैया से पूछता हूँ, भैया दोनों गाड़ियाँ कराए या एक ही कराए। तो भाई पहले मैं ऊपर आके मैं सोच रहा हूँ एप्पल चेक भी लूँ, एप्पल वगैरह कट करके अंदर रख दिए, इसको ऐसे ही जाएगा ये अंदर। अब आज एप्पल चेक पीने का दिल कर रहा था क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी का फास्ट है, तो इसलिए हम बनाएंगे ये। तो भाई मैं खा रहा हूँ आज आलू की सब्जी और एप्पल शेक। एप्पल शेक बस थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, थोड़ा सा। किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने बनाया। थोड़ा सा ही बनाया। एप्पल शेक पीने के बाद फिर हम निकलते हैं भैया, अभी खाना कंप्लीट हो जाएगा मेरा होने ही वाला है, उसके बाद निकलते हैं हम गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए और वॉशिंग वगैरह भी करवाना है। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई हम निकल रहे हैं अभी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए और वॉश करवाने के लिए, और थोड़ा सा अपना काम भी है मार्केट में और एक दो जगह और जाना है। ओ भाई बहुत ही ठंड हो रही है भाई। भाई ये देखो दिन से खड़ी थी लेकिन वो यार ये इतनी गर्मी है यार, ये फर्क पड़ता है इससे, है ना। बट ओ भाई ये देखो अपने भी आ गया, ये भैया ने अपने लेवल पे सेट किया हुआ है, मैं अपने पे कर ले। अच्छा ये तो हो ही रखी है, मैं अपने अभी ये मेरी होगी ऑटोमेटिक सेट, अभी हो जाएगी ये। भाई जो मेरी मेमोरी सीट है ना वो अपने आप आ जाती है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो ऑटोमेटिक होगी। यहाँ पे होते हैं अपने उसके बच्चे डॉगी के, यहीं पे होते हैं, अभी धूप इतनी है बेचारे पता नहीं कहाँ पे होंगे। ये क्या भैया ने गाड़ी घुमा क्यों ली? कुछ भूल गया भाई मेरे पे पक्का। मैं दरवाजा खुला छोड़ गया था भाई, ये वाला बार बार दरवाजा खुला छोड़ गया था इसलिए आए थे भैया, कहते खुला छोड़ गया दरवाजा। चलो भाई, तो चलो भाई अब हम निकल रहे हैं, भैया ने बना लिया गोली लेकिन हम चलेंगे आराम से। भैया को पता नहीं यहाँ पे पहुंचे कैसे याद आ गया कि मैं दरवाजा खुला छोड़ाया, और मेरे को ध्यान में भी नहीं आया। भैया वो निकल गए, वो जा रही है गाड़ी, और मेरे को लगता है फॉर्च्यूनर को तो कोई हाथ लगाएगा नहीं मेरे अलावा, मैं ही लगाऊंगा अगर लगाऊंगा तो फॉर्च्यूनर को। चलो देखते हैं फॉर्च्यूनर का भी गेड़ा लेते हैं बीच में, क्योंकि यार खड़ी खड़ी तो बोल जाएगी वो भी गाड़ी, कहते इंजन हैवी का यही थोड़ा फायदा भी हो जाता है क्योंकि उसका 3000 cc इंजन है, अब जो गाड़ियां आ रही है उनका इतना हैवी इंजन है नहीं। पहुंच गए तमाम लेके जाने, ये पूरी चाबी का ये रही भाई, मैं तो चाबी भी भूल जाता हूँ, पहले यार काम निपटा लें। चलो भाई अपना हो गया बैंक का काम, बस यहीं से पास में ही है, बीच बीच में गली उसमें जाके पहुंच जाएंगे। जो मेन काम था बैंक का वो तो हो गया, और एक दो काम अभी और बचे हैं, लेकिन अभी फिलहाल गाड़ी का काम करवाना है वो जरूरी है। मेरे ख्याल से भैया हेक्टर को ना MG में चढ़ाएंगे अभी। ओ भाई कितनी पास से जा रहे है भाई, चल भाई चल 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 भाई, बहुत बारीकी काटनी पड़ती है गाड़ी। भाई आ गए अपनी जगह पे, यहाँ पे मैं काम है। चलो भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, सामान हुआ नहीं, पर्स मेरा मेरे पास है, बीमर यहीं पे खड़ी कर जाते हैं क्योंकि इस पे एक दो काम होने हैं। चल भाई भाई बीमर मिलते हैं तेरे को थोड़ी देर में। चलो भाई यहाँ से करवानी थी इसकी सर्विस लेकिन हो चुकी है कैंसिल, हम नहीं करवा रहे अब सर्विस। भाई चंडीगढ़ में ना ये चीजें बैन है तो इसलिए हम ये उतार देते हैं, खाम का कोई बोले पकड़े चलान करे, इससे बढ़िया कि ऐसे ही रख दो इसको, ये गर्मी के लिए लगाई जाती है। लग जाना को उस दिन काम आएगी वो। हाँ नहीं भैया सही बात है, वो ऑरिजिनल चलाई नहीं जाती है, ओरिजिनल पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी वो वाला काम भी तो नहीं हो रहा, वो वाला काम हो जाए तो वहाँ चली जाए। चल हाँ वो वाला काम भी तो अब जो काम कर लिया उसके लिए उसमें टाइम चाहिए भाई, कुछ काम फंसे हुए हैं हमारे, अदरवाइज वहाँ पे चली जाती फॉर्च्यूनर भी, बट कोई बात नहीं चलेगी, आज चलाऊंगा मैं फॉर्च्यूनर। हाँ चला चला बिल्कुल, नहीं तो खड़ी खड़ी यार दिक्कत देगी बहुत ज्यादा। दिक्कत तो उसने बेचारी ने कुछ नहीं देनी, लेकिन वो फिर भी भैया खड़ी खड़ी तो यार दिक्कत होगी ना, हमें ही होगी, सर्विस करवानी पड़ेगी।
सर्विस तो उसकी टाइम से होती है, चाहे चलाओ या मत चलाओ। सर्विस भाई टाइम पर नहीं हो जाती उसकी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मैं चला के स्टार्ट करके खड़ी कर दूंगा यार। भाई बहुत दिन हो गए डीजल इंजन है ऊपर से चलाई नहीं हमने, स्टार्ट करके खड़ी कर दूंगा या चला के। ऐसे तो कोई भी रोज जाके आधी बेटा सेल्फ मार सर, थोड़ी चलाऊंगा दूध दाद वगैरह ले आऊंगा, वो तो साइकिल पे आ जाएगा। आज दही लेने के लिए निकलना था मैंने, आज गाची है ना, दही लेने निकलना था, सोचा बीमर की चाबी लेके निकलू, मैंने कहा छोड़ यार कौन लेके आएगा दही, छोड़ बाहर ही चल के देखते यार। ये तो बोल ही रहे हम चंडीगढ़ पता क्यों जा रहे हैं भैया, कह रहे मैंने कहा भैया एलोवेरा भी लेना याद रखना, भैया कह रहे मैं नहीं याद रखूंगा, जबरदस्त था भाई, भाई बहुत दमदार चीज है, ठंडक उसके बहाने दूध ज्यादा पेट में भाई। हाँ मेरे दूध भाई दूध सही बात है। अब ये याद ध्यान रखना, हम ऐसा करते हैं बोतल लेते हैं वहां से जो फ्रिज में रखने वाली होती है ना, पहले वो लेते हैं उसमें फिर ठंडाई भरेंगे, ठीक है ना भाई, ऐसा कर लेते हैं। एक काम करते हो ना, वो बिसलेरी की बोतल, अरे नहीं नहीं वाली, अरे वो नहीं बड़े वाली खरीद लेते हैं, अरे वो तो 20 लीटर है तो बाल्टी खत्म कर देंगे वो मरवा लेते हैं। नहीं नहीं मम्मी ये भर दो, नहीं मैं वहीं से लेता हूँ बोतल लेके उसमें भर देता हूँ। सही अच्छा मेरे को लगा हमें कोई काम है भाई, चंडीगढ़ कोई काम नहीं है, सिर्फ इसीलिए चंडीगढ़ जा रहे हो, ठंडाई गर्मी बहुत है, ठंडाई पीनी भी चाहिए। बट लेकिन आज सच में मैं फॉर्च्यूनर चलाऊंगा यार, देखूंगा। नहीं सच में चलाऊंगा भैया, आज चलाऊंगा, रोज कौन चलाएगा, रोज मतलब आज तो चलाऊंगा। हाँ भाई सीख क्या रहा है, बस हल्का फुल्का आगे पीछे कर लेता है गाड़ी, उसको अभी नहीं सिखानी भाई, जब तक 18 प्लस नहीं हो जाता अभी नहीं सिखानी उसको, गाड़ी नहीं देंगे उसे जब तक 18 प्लस नहीं होगा, लाइसेंस नहीं आएगा तब तक भाई गाड़ी नहीं देनी। आना सब कुछ चाहिए, इमरजेंसी हो जाए कभी जिंदगी में तो जरूरत पड़े तो काम आ जाए, यहाँ गाड़ी चलानी सीखना नहीं होता हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में गाड़ी बचाना सीखना होता है, बचानी सीखनी है, बचानी कैसे है, चलानी तो हर किसी को आती है, पंजाना ब्रेक लगा चल भाई। पहुंच गया चंडीगढ़ हम, भाई देखो ऐसे जैसे बाइक चला के लेके जा रहे ना, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही स्नैचिंग करते हैं, ऐसे लेके जाते हैं कर लेगा भाई, फोन छीन लेगा कोई, स्नैचर स्नैचर है, फोन छीन लेगा कोई, हो चुका हमारे साथ, अभी फोन हमारा छीना है, ऐसे मत यूज कर, फोन छीन के ले जाएगा कोई, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना भाई, थोड़ा ध्यान रखो, फोन छीन जाएगा हमारे साथ, हो गया इसलिए बता रहे हैं भाई। ये वाली बॉटल्स लेनी है, देखो कौन सी बढ़िया कौन सी है, कितने ये ले लिए हमने, ठीक है भाई थैंक यू, चलो भाई चलते हैं। अब ये मैंने इकट्ठी ले ली काफी सारी, लेके तो दो ही आनी है भाई, चांस घर पे रखने के लिए भी होनी चाहिए। कैसे हो, ये लो बोटल्स भैया, कह रहे फटाफट वो ले ठंडाई भाई, मजा ले ठंडाई तस्से मस हुई हो, वैसे वैसे रखी हुई है, और अब मैं ही आकर डाल दूंगा इसमें। चलो भाई अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, भाई बीमार अंदर जा चुकी है हमारी, हम पहुंच गए डिटेलिंग टेबल पे। लो भाई लाइट ही चली गई यहाँ पे, तो बैठे बैठे इसका भी बनाना चाहिए भाई, बैठे हैं तो लाइट चली गई। अच्छा अच्छा भाई भी आ रहे पीछे, ठीक है ठीक है। तो गर्मी बहुत है, 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, टेम्परेचर भी 43 डिग्री हो रहा है मोहाली में, टेम्परेचर 43 हो गया, ये 43 हो गया, गर्मी बहुत है केड़ा भाई, ये बहुत गर्मी है यार, बिना पंखे के बैठे हैं, नु चढ़ रहे हैं केड़ा उसके। लो भाई आ गया, आ गया, आ गया। ये भी तो तुरंत फंदा है यार, आ गई लाइट, आ गई होनी आई, मैं खड़ा ही हो गया, लाइट नहीं जान में जान आई, जान है भाई, अभी हम खड़े हो गए थे लेकिन आ गई लाइट, जाने ही लगे थे घर को, अब बस बैठ ही गए हैं, चलो आगे नहीं जाने देना। तो भाई हम जिस चीज के लिए आए थे बीमर के लिए, क्या लगवाने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या लगाना था। ये थी, इसको भैया क्या बोलते हैं, हीट प्रोटेक्शन फिल्म। हाँ हीट प्रोटेक्शन फिल्म है जो गवर्नमेंट प्रूव है, मतलब इसमें चलान नहीं हो सकता, वैसे ब्लैक फिल्म से अच्छा है ये वाला, लोग ब्लैक फिल्म लगा सकते हैं, इससे बढ़िया है ये चीज़ है ना भैया, ये सर्टिफाइड है ना, इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, इससे बेटर है, इसका चलान नहीं है भैया ना, नहीं इसमें कपलिंग विद CVCMV रूल, ये गाड़ी का रूल है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चढ़ती कैसे ये वाली जो फिल्म है ना, ये ऐसे जड़ती है, अभी कटिंग अभी तो कटिंग हो रही है,
तो भाई हम ना इसमें भी अभी ट्राई करके देख रहे हैं, मतलब पहले भैया कह रहे कि इस पे ट्राई करो, कह रहे अगर फिर भी पंगा लगाना, हमें चाहे यार ये लीगल है लगा सकते हो लेकिन फिर भी पंगा लगाना, फिर हम लगाएंगे ही नहीं, अगर ज्यादा ब्लैक से लग रहे हुए ना तो हम नहीं लगवाएंगे, क्योंकि यार खाम का टाइम खोटी होगा और कुछ नहीं, अगर बाई चांस किसी ने रोक लिया रस्ते पे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार बस इस वाले शीशे पे करवा के देख रहे हैं, अगर ठीक लगेगी कि हाँ विजिबल हो रहा है तो लगवा लेंगे, अगर नहीं होगी तो रहने देंगे भाई। देखो भाई ये आ रहा है व्यू, यहाँ से ये देख रहे हो आप और यहाँ से ये फर्क देखो, दोनों तरफ फर्क देखो कितना आ रहा है, और यहाँ पे ये देखो फर्क आ रहा है। चलो भाई अब डिसाइड ये हुआ है कि हम फ्रंट में और बैक में नहीं लगाएंगे, दूसरी गाड़ी भैया ने भेज दी वॉश होने के लिए, हमने बोला भी था यार हमें बिना पूछे मत भेजना, उसमें हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है तो वो पीछे वॉश हो रही है, मेरे ख्याल से ये हमारी गाड़ी के निकले हुए हैं, यहाँ पे हो रही है वॉश, ये रही वॉश हो रही है भाई, ये होगी ठीक है। चलो भाई ये भी ठीक है, भाई ने अंदर से नहीं करवाई बाहर बाहर से करवा दी, हमने बोल दिया था भाई को भाई सामान रखा हुआ है अंदर गाड़ी में। भाई शाम के 6 बज चुके हैं देखो, और अपना काम होने को नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि पहले मैं समझ नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, अब आगे और पीछे की फिल्म नहीं चढ़वानी, साइड का विजिबल है, क्योंकि जो गूगल पे भी लिखा हुआ है ना फ्रंट और बैक 70% विजिबल होना चाहिए, और जो साइड में रहना है वो 50%, अपना 100% रहेगा विजिबल। देखो ब्लैक ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, और ये खड़ी है ब्लैक, ये भी ब्लैक, भाई सारी आज काली काली गाड़ियाँ नहीं आ रही। इस पर ना हमने पहले ही PPF करवा रखी है, इस पर रखी है ना भैया PPF, भाई अब ये ना सारी की सारी सफाई होने लगी है इसकी, और हम सामान निकाल के ना एक लिफाफे में डाल लेते हैं, किसी थैली में डाल लेते हैं, जोर से मार कर दिया काम इधर कर दिया भाई, बड़ी बुरी तरह मारी भट्ट से आगे मारी, वीडियो नहीं बनी, वीडियो तो बाद में स्टार्ट की मैंने, ये तो वीडियो बना देता मैं भाई, भाई बहुत गंदी तरह बजी, बचा हो गया बचा हो गया, देख भी नहीं रहा भाई, भाई कह रहा मैं सोचा आप निकल गए कोई बात नहीं, ये स्क्रैच भाई ये वाला ठीक करना है कि हम छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा वाटरमार्क, ये सारा वाटरमार्क बना हुआ इसको सेट करना है, तो हेक्टर आज यहीं पे रहेगी भाई, ऐसा भूतना कभी किसी का नहीं बना होगा, सुबह से निकले हुए हैं, रात को सोया भी मैं, सुबह 7 बजे सोया था 10 बजे उठ गया, और आज फास्ट भी है, कुछ खाया भी नहीं है ज़्यादा, हल्का फुल्का ही खाया हुआ है, और यहाँ पे 7:30 हो गए हैं, गाड़ियाँ क्यों लेके आनी थी आज, अभी भी बाहर से साफ मतलब बाहर से सफाई करवाई नहीं गाड़ी की, क्योंकि अंधेरी चलने लगी है बाहर, तूफान आ रहा है, तो फिर मैंने कहा छोड़ यार भैया कह रहे अंदर अंदर से करते फिर चलते हैं, हेक्टर यहीं पे खड़ी करके जाएंगे, कल ले जाएंगे हेक्टर को, तो गाड़ी को करवा के फिर निकलते हैं यार, फिर घर जाके कुछ खाएंगे पियेंगे, हालत ऐसी टाइट हो रखी है ना, दिल कर सो जाऊँ, लेकिन सोना कहाँ नसीब भैया, अभी जाते ही एडिटिंग पे लगूंगा मैं, आज जल्दी व्लॉग एडिट कर दूंगा, उसके बाद एडिटिंग करके सो जाऊंगा, ठीक है भाई लोग, और थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो यार आप, प्लीज सपोर्ट दिखाओ ना, अब तो फेस थोड़ा ठीक हो रहा है, ये जो पिंपल्स हैं थोड़े ठीक हो रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा दिल खुश हो जाता है यार, बाहर बाहर मौसम देख के तो भाई मेरे को लग रहा है कि बारिश आएगी आज, बाकी पता नहीं, और टाइम देखो 8 बजने वाले हैं, और 8 बजे घर पहुँचे, हम 7:30 हो गए, सारा दिन यहाँ पे गाड़ी निकल गई, और हवा लेकिन बहुत अच्छी चल रही है बाहर, और शरीर में जान भाई बिल्कुल नहीं है, और कुछ करने की बस, ओ भाई ऐसा कभी हुआ होगा, बाहर मौसम ख़राब है, और ये बस क्लोज हो गया भाई ने, क्लोज ही कर दिया, और अभी लाइट चली गई, और लाइट जाने के बावजूद भी गाड़ी में काम चालू है, ये तो शुक्र है टाइम पे अपना वैक्यूम हो गया था ना, टाइम पे हो गया ना वैक्यूम, चलो भाई कर दे, लाइट जाने के बाद भी काम चली जा रहा है भाई, शटर डाउन हो चुका है, शटर डाउन होने के बाद भी काम जारी है, गाड़ी चल रही है अपनी बाहर को, ले जाओ भैया मैं वीडियो दिखा के आ रहा हूँ,
कौन सा देखो, यहाँ पे खोल के ना आप इसको खोलो चैनल को, देखना ना सारा का सारा आ जाएगा। भाई कैसी बातें कर रहे हो, नहीं डाला यार, देख लेना बाकी से। भाई यही करवाता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू भाई। मेरा कुछ रह तो नहीं गया, नहीं तो भाई बारिश भी आने लगी, बारिश आने लग गई है, बारिश आने लगी है भैया। भाई वो 3M की टेप लगा दो, वो 3M की टेप लगा दो, हाँ वो आगे नर्सिंग मोहन जी लगवाने हैं ना, वो कर दो भाई। इन्होंने नर्सिंग मोहन की ना जो आगे हमने फोटो लगा रखी है वो उतार दी थी, तो वो लगवानी है हमने यार, भगवान जी तो वो तो जरूरी है। देखो कहते एक तो गंजे ऊपरों पै गए होले, गाड़ी साफ करवाई, ऊपर जाके बारिश और धूल मिट्टी उड़ रही है। ये भाई ये सीन नहीं देखा हुआ कभी। भाई ये जो इसका ब्लू कलर है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है लाइट में, ये ठीक है, बहुत जबरदस्त लगता है ये, बहुत वही वो लगा रहे हैं भैया। ये एक्चुअली बंदे ने ना टेप क्लीन करवाने दिया तो उतार दिया था, मैंने कहा भाई ये मत उतारा करो। तो भाई यहाँ पे अभी हमने रुक के लस्सी ली है ढाबे से और दही भी ले लिए कि घर पे लस्सी बना के पियेंगे, अब थोड़ा सा आराम मिल रहा है ना भैया। मैं तो था ही था भूखा, भैया भी साथ में भूखे, पेट के अजीब से हो गया था पेट में, गर्मी बहुत ज्यादा, अब इसलिए लस्सी पी ली, सही रहेगा। बस पहुंच रहे हैं हम घर में, घर पे पहुंच गए और घर पे आके देखा तो ये टूटा पड़ा था, क्योंकि इतनी ज्यादा तूफान आ गया ना यार, ये कच्चा ही लगा रखा था और टूट गया, फट ही गया पूरा किनारे से ये। तो भाई चलो अभी उतार ही देते हैं किनारे से ना, और गाड़ी फिर यहाँ पे खड़ी करते हैं। और भाई बिंगे काट दे पूरा, और अब हम इसको काट ही रहे हैं, काट दे काट के फिर रखेंगे साइड में इसको, काट दे, काट दिया, उठा ही देते हैं भाई इसे, चल पड़वा के आया भाई सच में। भैया कौन बोल देगा सफाई करवा के लेके आए हम गाड़ी में, भाई देखना यार कितनी गंदी होगी ना, ये न्यू डिजाइन नहीं लग रहा, ये नया डिजाइन अभी मैट कराया हमने भाई यार, शर्ट प्यार से करवा के आया रहा, इसे काट दे छोट रस्सी तो, जितना आगे तक काट सकता काट दे हाथ से, अबे रस्सी ज्यादा भी छोड़ रहा है, चल कोई नहीं वहां से काम आ जाएगी ना, वहां से काम आ जाएगी, लड़का बहुत मेहनती है बेचारा, ये लस्सी की जान बोल रही है, ये जो लस्सी भी रखी है जान अंदर है नहीं अभी, इसलिए तो पिलाई थी क्या वे वो पीछे खड़ी तेरे पूछे ला रही है, वो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, तो ठीक है भाई आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, अब जाके मैं नहाऊंगा यार, और उसके बाद वीडियो एडिटिंग के लिए बैठूंगा, और ताकि आप कल वीडियो देख पाओ। तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज करते रहना, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। आज भाई सारा दिन आपको पता ही है हो गया, बस वही बात होगी, एक तो गंजे ऊपर से पड़ गए हो गए, हम गाड़ी सेफ करवाने के लिए निकले, उसके बाद चलो बाय बाय, तरक्की पक्की है अगर यार दमदार हो, तरक्की